हाँ जो तेने मीट बहुत अच्छी बनाई, बहुत स्वादिष्ट हुआ। हो गया उसका खत्म। ये सबसे पहले मम्मी आगे घुसी रहेगी, ऐसे नाच रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, नया दिन नया व्लॉग। तो दोस्तों आज की जर्नी हम शुरू करते हैं काशु के साथ अगेन, और हमारा नाश्ता आ चुका है। आज है नाश्ते में हरे बैगन की सब्जी जो कल हमने आपको दिखाई थी, और रोटी है, दूध का गिलास, और पापा बोलना जिन पिछने बटे की दूध का गिलास भी तो चल और दूध का गिलास यानी कि हमारा बॉर्न बीटा, चाय हम पी चुके हैं। तो काशु अब लग गई, टूट पड़ी है। तो दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों हम चले गुम्मी गुम्मी इसको कंट्रोल नहीं होता, जैसे ही तैयार होती है ना बोलती जल्दी से सूज पहनाओ और निकलो यहाँ से, वेट नहीं होता इससे भी, सबर है ही नहीं इसके अंदर भी। बाय चलो तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं मम्मी आप बताओ? हम जा रहे हैं मौसी के घर। हाँ तो हम लोग जा रहे हैं मौसी के घर, और ये बहुत कम होता है कि मैं कहीं जाती हूँ, मैं कहीं नहीं जाती हूँ। तो मौसी ने एक बार बुलाया तो हम आ गए। काशु मजा आता है इसको बाहर आके हमेशा। मम्मी जा रही है आगे आगे, और मैं काशु को गोद में उठाऊंगी। मंदिर जय हो प्रभु। तो ये रही मेरी मौसी, चलो अब मैं भी मिलती हूँ। तो दोस्तों हम मौसी के घर पहुंच गए, और उनका घर इतना सुंदर उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, इंटीरियर वगैरह सब उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। तो मुझे लगा उनके इस घर को मैं अपने इस वीडियो पे कवर करूं, तो मैं दिखाती हूँ उन्होंने कितना अच्छे से अपने घर को बनाया हुआ है। ये उनका मेन गेट है और हम इधर से ही अंदर आए थे। ये सीढ़ी, ये ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ पे मौसी ने रेंट पे दिया हुआ है। और ये हम सीढ़ियों से ऊपर आए, ये पारस का रूम है यानी कि मौसी के बेटे का रूम है, यहीं पे वो रहता है, यहीं पे टीवी वगैरह सब लगा रखा है, ये सोफ़ा। और अब हम बाहर को चलते हैं, ये किचन की जगह है पर यहाँ पे उन्होंने किचन यूज़ नहीं किया है अभी। ये वॉशरूम है, वॉशरूम के इधर ही बैल्कनी है, ये मौसी की गली है, और गली देखने के बाद हमने देखा वॉश बेसिन, वॉश बेसिन के जस्ट ऊपर ही मास्क लगे हुए हैं जो कि बहुत ज़रूरत है जिनकी। यहाँ से फिर हम ऊपर जाएंगे, और ये वाला आ गया हमारा सेकंड फ्लोर, और यहीं पे सब बैठे हुए हैं। और देखो मेरा काशु कैसे बैठा हुआ है, कार्टून देख रहा है। ये पतला इंसान सही लगता है, मोटा का अच्छा लगता है, मोटा इंसान बस एक ही अच्छा लगता है और वो है मेरी माँ गुदगुदी। पारस हमारे लिए बना रहा है चाय, ये देखो। वैसे उसने मुझे ऑप्शन दिया था कि कॉफी पी लो, तो मैंने कहा चलो आज चाय पी जाए। क्या चाय बना रहा हुआ अब बेचारे ने, दो टाइप की चाय बनाई है, एक शुगर वाली और एक बिना शुगर की। ना कौन सी चाय बन रही है पारस? तो बन गई है चाय। ये लो मम्मी चाय। ये वाला आपका है? तेरा है? हाँ मेरा है वो। पारस ने बना रखी है शकरकंदी स्वीट पोटैटो का चाट, बोले कि क्या बोलेंगे इसे? नहीं वेजेस। वेजेस इतना मस्त बनाया हुआ है ना सीरे, पहले मुझे लगा नहीं, मुझे लगा पनीर है ये, पनीर फ्राई करके लाया है और मैं खा गई उसके बाद भी बोल रही हूँ पनीर है ये तो। तो इतना टेस्टी बनाया हुआ है। तो शेफ ये रहे, ये देखो बस चले गए आप। पारस इतनी अच्छी बनी है बाबू चाय ना, थैंक यू बाबा। देखा वाकई में बहुत अच्छी बनाई है इसे चाय। तो मैं हाथ में चाय का कप लेके अब मौसी की, यहाँ पे उन्होंने किचन सेट किया हुआ है, और जो नीचे वाला था वो उन्होंने शायद ऐसे स्टोर के लिए रखा हुआ है। तो ये किचन है मौसी का, इंटीरियर वाकई में प्यारा बना रखा है। ये वॉश बेसिन, और यहाँ मैं दिख रही हूँ। हेलो दोस्तों, अब यहाँ से जाऊंगी मैं फिर से ऊपर। हाँ मस्त। अब ये दो जगह यहाँ से भी बंद है, यहाँ से भी। तो ये है मौसी का टेरेस, ये टेरेस है, यहाँ उनके कपड़े सूख रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने स्टोर रूम बनाया हुआ है पूरा,
खाना खजाना। और इसके ऊपर एक और टेरेस है भाई। मौसी की छत में आए और ये देखो मौसी ने क्या उगा रखा, कुंजू। तो मैंने यही बोल दिया मौसी को, हल्दी में ले आना आड़ू है। आड़ू के पौधे दोनों, इसमें आड़ू उगे ना, छोटे ना। अच्छा ये देखो काशु, वाओ कितनी सी, उन्होंने कितना अच्छा सुंदर बना रखा। किसी की पूजा थी ना। अच्छा सही बना रखा है मौसी आपने, बिल्कुल मजेदार है। देखो कड़ी पत्ता और एक मिर्ची मुझे यहाँ भी दिख गई। ये देखो मौसी का पता नहीं किस चीज का पौधा उगा रखी यार। मिर्ची तो यार सीमा मौसी के घर से आप विदाई ले रहे हैं, अब जाए, हमारा टाइम हो गया, एक बज गई। हाँ तो बहुत मजा आया, खासकर पारस से मिल गए। मौसी को पारस ने मेरे को चाय बनाई ना, जो मेरे को बहुत पसंद आई। अरे थैंक यू बाबू। अब एक काम करना, घर पास में ही है, वहाँ से आ जाना चाय पीने के लिए डेली सुबह शाम। ठीक है। मौसी बहुत ही ज्यादा स्वीट है, बहुत अच्छी है, और मैंने आज उनका घर को कवर कर लिया इस वीडियो में। होप आपको अच्छा लगेगा, और मौसी से मिलके भी मुझे बहुत मजा आया। तो बाय बाय मौसी, मिलते हैं आपसे बाद में, शादी में मिलते हैं सब आना। मम्मी अब ले रही है नारियल पानी हम लोगों के लिए, और काशु और मैं यहाँ बैठे हुए हैं। काशु नारियल पानी पीएगा? काशु नारियल, ये देखो अरे काशु पिएगा नारियल ले। मौसी के घर के आने के बाद अब मैं जा रही हूँ, जो मैं वो बना रही हूँ ना लहंगा, भागना दौड़ना पड़ता है कासू के चक्कर में। कासू को सुला दिया है मैंने, और तुरंत उसको सुला के ही भाग रही हूँ मैं। हाँ मैं लेने जा रही हूँ लहंगा के लिए लास्टिक, लास्टिक बोलते जो भी बोलता है, जो मतलब मैं कमर पर लगाऊंगी उसके। मैं डोरी वाला नहीं बना रही हूँ, लास्टिक वाला बना रही हूँ। क्या बनाया आज खाने में मम्मी? आज खाने में बहुत कुछ बनाया। बहुत कुछ बनाया, मुझे क्या मिलेगा पर खाने में? खाने में जो तेरे पसंद होगा उसको खाएगा। तो देखते हैं खाने में क्या है। दोस्तों मैं आ गई हूँ अपना लंच करने के लिए, पीछे कासू सो रहा है, और लंच में आज है नॉनवेज खा रही हूँ। दिखाती हूँ, वैसे रोटी है, नॉनवेज है, और ये मूली है। देखो कितने छोटे छोटे साइज की मूली है, इतने छोटे छोटे साइज की मूलियाँ रखी हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए आप लोग भी खाइए दोस्तों। ये देखो सो के उठ के आ गया और मुझे कुछ नहीं करने दे रही है तब से। ये मैं जैसी मशीन चला रही हूँ ना, वहीं आ जा रही है उंगली लगाने के लिए। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, हिलो हिलो बोल दो, आजू बाजू डोल दो। बोल दो बोल दो, गंदा बच्चा। ये मशीन है, मशीन है, ये मशीन है बाबू, मशीन है ये। उसको पूरा ऑब्जर्व करना से, बेबी नहीं है वो, मशीन है बेबी। ए बेबी, पापा बेबी, बेबी बेबी नहीं है बाबू, तो खुद ही तो एक बेबी है, दूसरों को बेबी बोलता रहता है ये। देखा अब उसे सब चाहिए। अरे बच्चा लास्ट रह गया, थोड़ा करने दे। मेरा प्यारा बच्चा, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी देख रहे हो, अपनी से भी हाइट के ऊपर उसने पैर रखा हुआ है चढ़ने के लिए। पगलू है ये, पगलू। हमारे यहाँ टेडी बेयर्स के नाम रखे जाते हैं, इसका नाम चुन्ना, इसका नाम मुन्ना, उसका नाम टुन्ना। कासू का बस छत में यही काम है, नानी की प्याज लहसुन को काटता रहता है सारे दिन, तोड़ता रहता उनको। छत में इतनी देर से अकेली थी, और मेरी माँ बाहर से वॉक करके आ रही है। हाँ। और डॉक्टर ने मना कर रखा है ज्यादा घूमना फिरना नहीं है, मम्मी फिर भी घूमती रहती है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में अच्छा अच्छा मम्मी को बोलो कि ऐसा नहीं जाना चाहिए। यार हंसी देखी कैसे आ रही है मम्मी को, ये देखो ये। मैं बोल के थक गई हूँ, डॉक्टर ने बोला है ज्यादा वॉक नहीं करनी है आपको, तभी आपके पैरों में जोर पड़ रहा है। और मम्मी को तो घूमने से बाज ही नहीं है, इवनिंग वॉक बना रखी है, मॉर्निंग वॉक बना रखी है, वॉक में वॉक ही करती रहती है। नमस्कार, वो देखो एक बात बताऊं, मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हाँ। बहुत ही ज्यादा। हाँ। पर आप लोग भी सोच लो, जब मैं बैठ जाऊंगी ना तो मैं उठ भी नहीं पाऊंगी,
जितना चल रही हूँ ना उतने भी नहीं उठ पाऊंगी क्योंकि मैं नीचे बैठ नहीं सकती हूँ। अब मम्मी का ये लॉजिक नीचे नहीं बैठ सकती हूँ और जब उठू नीचे उठ के मतलब जाऊंगी मैं नहीं तो बिल्कुल ही हो जाएगा मेरे हाथ पैर बैठ जाएगा बस। मम्मी का ये कहना है कि मैं चलूंगी फिरूंगी नहीं तो मेरे हाथ पैर जाम हो जाएंगे। डॉक्टर पागल है जो कह रहा है कि आपको कम चलना है। और घुटने मेरे इतने दर्द है ना मैं नीचे नहीं बैठ सकती हूँ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मम्मी ना सुनती नहीं है अपनी सेहत का मम्मी को बिल्कुल ध्यान नहीं है। चलने चलने होता है मेरा उठने बैठने का नहीं होता है। नीरज जी शादी में डांस करे ना नहीं करे ना सबसे पहले मम्मी आगे घुसी रहेगी ऐसे नाच रही है ये। शाम का टाइम हो गया है और मैंने दोनों बच्चों के लिए रख दी है हरड़ की दाल। बंदर कैसे करते है बंदर कैसे करते है बहुत क्यूट लग रहा है कतो में हाई नेक में क्यूट लग रहा है मेरा काशू काशू नहीं निकू एक तो नाम ना काशू का निकू निकू का काशू डूइंग क्या कर रहे हो निकू नहीं उसका है वो ये तेरा है ये दोनों ऐसे खाते देखो और अब लड़ाई करने लग जाएंगे दोनों मुन्नू का है तो मैं कासू को खिला रहा हूँ हरड़ की दाल जो भी उबाली थी। दाल नहीं दिख रही है दाल नहीं दिख रही मम्मी कह रही दाल नहीं दिख रही दाल नहीं दिख रही तो दोस्तों ये रही दाल देख लो। दोस्तों आज है डिनर में चिकन और चिकन बनाऊंगी मैं तो आज का डिनर मेरे हाथ से। ये देखना कासू क्या कर रहा है बस कैमरा देख लिया ना उसने तो अब और कुछ नहीं करेगी बस हो गया उसका खत्म ये लुकू कर रहा है तू तो लुकू 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 डप्पा ये देखो उसने दाल गिरा रखी अपनी ड्रेस पे। मेरी एक क्यूट सी सब्सक्राइबर है सिद्धि भट्ट उसको जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं भगवान आपकी रक्षा करे और आपको दीर्घायु दे। बेटा आप अपना बर्थडे अच्छे से एंजॉय करना आज गॉड ब्लेस यू बोल दो हैप्पी बर्थडे टू यू बोल दो हैप्पी बर्थडे ये हैप्पी बर्थडे। चिकन बन गया और ये रख दिया भाभी ने चावल और देखो भाभी तभी भी हंस रही है सही है हम सब हंसने वाले हैं ना दादी ने खाना खा लिया है जो मैंने बनाया था चिकन तो दादी से पूछते हैं कैसा बना था। दादी कन बनियो छे क्या बना जो अभी वो कम बननी छे वो बोल हाँ जो तेने मीट बहुत अच्छी बनाई बहुत स्वादिष्ट हुआ बहुत अच्छे है। अरे वाह दादी ना हिंदी में बोल रही है बहुत सुंदर लग रही है अच्छी बनी। अच्छा देखा ये दादी ने बिना कैमरे के बोला सब अच्छा हुई है खैर सुंदर छे और काफी सुंदर छे मीट सुंदर बनी हुई है बस तो ये आ गया है मेरा खाना और जैसा कि मैंने आपको कहा था चिकन है और चावल है तो मैं खा रही हूँ अपना खाना। मेरा कासू हमेशा की तरह मुझे खिलाएगा और मेरी बिंदी भी ले गया ये आजकल बिंदी निकाल रही है खा रही है खा ले सिर्फ चावल खाती है ये देखो ये खा लो ठीक है। तो दोस्तों आप भी अपना डिनर एंजॉय कीजिए हम भी कर रहे हैं। दोस्तों आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म मिलते हैं आपसे कल स्वस्थ रहिए मस्त रहिए भगवान सबकी रक्षा करे सब अच्छा करे बोल दो गुड नाइट बाय।